है, सबसे पहले आपको पिक्सार टैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एडिट फोटो पे जाना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जो आपकी बुक की फ़ोटो है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कटआउट का, पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे ऑप्शन शो हो रहा होगा शेप का। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप है, तो आप कोई भी सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी शेप इस फोटो पर अप्लाई करके वीडियो एडिट कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो ये सब करने के बाद सिंपली से अपने फोटो को पिक्सार्ट में सेव करना है। इसके बाद आपको कैप कट ऐप ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ऐड पे जाकर यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो ऐड करनी है। अगर आपको ये चाहिए वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो वैसे सिंपली से पहले वीडियो ऐड करनी है। तो हमारी कैसी हो गई एनिमेशन वाली वीडियो ऐड हो गई है ऐप में, जिसे हम यूट्यूब के साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ओवरले पे जाएंगे। यहाँ से हमें जो हमने पिक्सार्ट में जो अपनी फ़ोटो को एडिट की थी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उस पर से मैंने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे फर्स्ट फोटो को यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे और इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद जो सेकेंड जो फोटो है उसे भी हमें अप्लाई करके जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो एनिमेशन वीडियो है इस पर एनिमेशन जो वीडियो इस पर टैप करेंगे और उसे पूरा कस्टमाइज करेंगे अपनी फ़ोटो के हिसाब से। तो वैसे ऐसे कुछ वीडियो हमारे देखने में बन जाएंगे। तो सेकंड वाले के लिए हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे एनिमेशन वीडियो पे और उसको भी ऐसे ही करेंगे हम कस्टमाइज पूरा। बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ये वीडियो को रोटेट करते हैं ताकि जो फोटो पर अच्छी तरह कस्टमाइज हो जाए। उसके बाद गए आपको बहुत सारे ऐसे फोटो जो हैं बहुत सारे आपको ऐड करने हैं। रोजन पे से जाके इस फोटो से टैप करें, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा डुप्लीकेट। तो ऐसे ही आपको अपने सारे फोटो पे डुप्लीकेट करना है। सिंपल से जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा डुप्लीकेट, ऐसे कर ऐसे ही आपको कर लेना है। तो ऐसे करने के बाद हमारे जो वीडियो थोड़ी बहुत रेडी हो गई है। यहाँ पे जो हम थर्ड नंबर पे हमारी जो फोटो है वहाँ पे भी हम वीडियो को कस्टमाइज करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो गाइस हमारी जो वीडियो वो पूरी रेडी हो गई है। गाइस इसके बाद यहाँ पे आप वो जर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसके ब्राइटनेस और कलर्स, जैसे वीडियो में आपको क्लियर रेजोल्यूशन चाहिए वैसे आपको एडिटिंग करनी है। सिंपल से यहाँ पे मैं आप टीम पे जाकर थोड़ा यहाँ पे ब्लू ग्राउंड देने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो थोड़ी अच्छी लगे। ये सब करने के बाद जो आपने जो आपने अपनी कलर एडिट किया उसे पूरा अपने वीडियो को अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद ऊपर एरो को ऑप्शन शो रहा है, उस पर टैप करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्टिंग